हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट में। पिछले 3 लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने पहले वीडियो के अंदर। तीसरे वीडियो के अंदर हमने जो प्रकाश का अवशोषण है वहाँ पर जो 3 नियम है, बियर नियम, लैम्बर्ट नियम तथा बियर लैम्बर्ट नियम, उनका अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश रसायन के नियम। 2 नियम हैं, दोनों महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, या जो हम कहें फोटोकेमिस्ट्री है उसकी जो बेसिक्स है उसके लिए हमें ये नियम समझना आवश्यक है। पहला नियम है ग्रोथस ड्रेपर नियम और दूसरा नियम हम पढ़ेंगे स्टार्क आइंस्टीन नियम। दोनों में थोड़ा सा अंतर देखें हम। जो ग्रोथस ड्रेपर नियम है यह एक गुणात्मक नियम भी है। जो ग्रोथस ड्रेपर नियम एक गुणात्मक नियम है, जबकि जो स्टार्क आइंस्टीन नियम है वो एक मात्रात्मक नियम है। तो पहले हम देखेंगे ग्रोथस ड्रेपर नियम क्या कहता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी पदार्थ से कोई एकवर्णी प्रकाश टकराता है तो प्रकाश के कुछ भाग का या आपतित प्रकाश के कुछ भाग का अवशोषण होता है, जो कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, तथा शेष भाग जो परावर्तित तथा पारगमित हो जाता है वो क्रियाकारी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसको हम इस आरेख से समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास कोई समांगी पदार्थ है, ये है एकवर्णी आपतित प्रकाश किरण की तीव्रता, कुछ भाग इसका अवशोषित होता है उसे हमने लिखा आई ए से, कुछ भाग इसमें से पारगमित हो जाता है, तथा सूक्ष्म मात्रा में इसका क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता का परावर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ किसी समांगी पदार्थ से कोई प्रकाश किरण टकराती है तो उस आपतित विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण होता है जिसकी तीव्रता है आई ए। ये अवशोषित भाग ही क्रियाकारी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। शेष भाग जो पारगमित हो गए या फिर परावर्तित हो गए वो क्रियाकारी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहले हमने पढ़ा था जो आई नोट बराबर है आई ए प्लस आई आर प्लस आई टी। चूँकि आई आर का मान बहुत सूक्ष्म होता है, नगण्य होता है, तो हम लिख सकते हैं आई नोट बराबर आई ए प्लस आई टी। हमें निकालनी है अवशोषित विकिरण की तीव्रता, तो हो गया आई नोट माइनस आई टी। जैसे हम एक सरल सा उदाहरण लें, जो हमारी आपतित विकिरण है उसकी प्रकाश की तीव्रता या उसमें जैसे 40 फोटोन है, 10 फोटोन का यहाँ पे अवशोषण हो गया, 30 फोटोन इसमें से बाहर निकल गए, तो जैसे आई ए बराबर आई नोट माइनस आई टी, कुल फोटोन थे 40, 30 इसमें से बाहर निकल गए, जो आई ए का मान हमें प्राप्त हुआ 10। यानी जो अवशोषित 10 फोटोन हैं वही इस क्रियाकारी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अवशोषित प्रकाश विकिरणों के द्वारा किसी क्रियाकारी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि इस पदार्थ ने कितने परिमाण में प्रकाश का अवशोषण वहाँ पर हुआ है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि कितनी मात्रा में जो आपतित विकिरण है उसके कितने भाग का अवशोषण हुआ है, वो हम जो बियर लैम्बर्ट लॉ है उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि पता हमें यदि हमारे पास माध्यम वो विलयन हो या फिर कोई गैसीय हो, तो बियर नियम के अनुसार पारगमित विकिरण की तीव्रता हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं लॉग आई टी अपॉन आई नोट बराबर माइनस के सी। चूँकि हमारे पास माध्यम है विलयन और पढ़ा हमने जो अवशोषणांक है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। लॉग को हम राइट तरफ ले गए, राइट साइड में ले गए, आई टी अपॉन आई नोट बराबर जो यहाँ पे था वो चला जाएगा घातांक में माइनस के सी। आई नोट को भी हम ले गए राइट साइड में, तो आई टी यानी जो पारगमित विकिरण उसकी तीव्रता बराबर हमें मिला आई नोट
ई पावर माइनस के सी। तो ये तो हो गया किसी विलयन के अंदर पारगमित विकिरण की तीव्रता। अब यदि हमारे पास जो अवशोषी माध्यम वो कोई परत या ठोस हो, वहाँ पे हम लगाते हैं लैम्बर्ट नियम, लैम्बर्ट नियम के अनुसार पारगमित विकिरण की तीव्रता यानी लॉग आई टी अपॉन आई नोट बराबर माइनस के एक्स प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी जो माध्यम था उसकी जो लंबाई है वो अक्ष है, तो लॉग हम ले गए राइट तरफ में, राइट साइड में आई टी अपॉन आई नोट बराबर ई पावर माइनस के एक्स, और आई टी बराबर हमें मिला आई नोट ई की पावर माइनस के एक्स। ये तो हुआ विलयन में पारगमित विकिरण की तीव्रता, ये हुआ विलयन के अलावा जो भी ठोस अवशोषी माध्यम है उनकी उनमें पारगमित विकिरण की तीव्रता। चूँकि हमें फॉर्मूला पता है आई ए बराबर होता है आई नोट माइनस आई टी, यानी अवशोषित विकिरण की तीव्रता बराबर हुआ आपतित विकिरण की तीव्रता माइनस पारगमित विकिरण की तीव्रता। तो यहाँ पे हम रखेंगे आई टी का मान, सॉरी उससे पहले हम देखेंगे जो दोनों नियम है उनको हम एक साथ ले सकते हैं। आई टी बराबर हुआ आई नोट ई पावर माइनस के एक्स सी। यहाँ पे हमने ये तो लैम्बर्ट नियम के अकॉर्डिंग हो गया और ये हुआ बेयर नियम के अकॉर्डिंग, दोनों को एक समीकरण में लिया है हमने। अब हम यहाँ पे आई टी की जगह ये मान रखते हैं, तब हमें मिला आई ए बराबर आई नोट माइनस आई नोट ई पावर माइनस के सी या के एक्स सी। दोनों में आई नोट कॉमन है तो आई ए बराबर हुआ आई नोट एक माइनस ई माइनस के एक्स सी। यानी इस समीकरण के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं अवशोषी प्रकाश की तीव्रता या अवशोषी प्रकाश की मात्रा। तो ये तो हुआ इसका गणितीय रूप। अवशोषित विकिरणों के द्वारा कोई रासायनिक परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये अवशोषित विकिरण के परिमाण पे निर्भर करता है, उसकी मात्रा पे निर्भर करता है। एक और एग्जांपल लें, यानी हम कह सकते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि प्रकाश विकिरण का अवशोषण करने से रासायनिक अभिक्रिया हमेशा ही, यानी हम एक और एग्जांपल लें, यानी ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि प्रकाश विकिरण के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रिया हमेशा संपन्न हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि ये हमेशा आवश्यक नहीं है कि प्रकाश विकिरण के अवशोषण से रासायनिक परिवर्तन होता हो। कई बार ऐसा होता है प्रकाश के अवशोषण से भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जैसे K2Cr2O7 प्रकाश के एक भाग का अवशोषण करता है लेकिन इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अवशोषित प्रकाश विकिरण ऊर्जा है इसका कुछ भाग अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाता है तथा ऊष्मा के रूप में ये पदार्थ से बाहर निकलती है। जैसे हमारे पास ये एक सरल सा आरेख है, सरल सा समीकरण है, ये हमारे पास क्रियाकारी पदार्थ, ये इसमें डाला हमने एकवर्णी प्रकाश एच न्यू या फोटोन, कंपाउंड चला गया उत्तेजित अवस्था में या एक्साइटेड स्टेट में। जैसे ये हुआ हमारे पास K2Cr2O7, इसने अवशोषण किया प्रकाश के एक भाग का, चला गया ये उत्तेजित अवस्था में, लेकिन उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद में ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं देता है, ये वापस आ जाता है अपने ग्राउंड स्टेट में और ये करता है प्रकाश का उत्सर्जन, वापस ये प्रकाश विकिरण का ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन करता है। ये तो होगी इसकी ग्राउंड स्टेट, ये होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट और ये वापस हमें मिल गई ग्राउंड स्टेट। यानी ये हुआ इसके अंदर प्रकाश भौतिक परिवर्तन, ये प्रकाश रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसे हम कहते हैं प्रकाश भौतिक
परिवर्तन जिसमें कोई क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है, लेकिन कोई दूसरा उत्पाद नहीं बनता है, वापस वही क्रियाकारी हमें प्राप्त होता है ग्राउंड स्टेट में, और जो अवशोषित विकिरण उसका होता है वापस ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन। कई प्रयोगों में क्रियाकारी पदार्थ स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति के रूप में भी प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो ग्रोथस ड्रेपर लॉ है, ग्रोथस ड्रेपर नियम है, वह एक गुणात्मक नियम है। इससे हमें इस बात का पता नहीं चलता कि क्रियाकारी पदार्थ द्वारा या समांगी पदार्थ द्वारा प्रकाश की कितनी मात्रा का अवशोषण हुआ तथा प्रकाश का अवशोषण करने के बाद में कितने अणु उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, ये हमें ग्रोथस ड्रेपर नियम से पता नहीं चलता है। दूसरी इस नियम की कमी है, ग्रोथस ड्रेपर नियम केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, यह द्वितीयक अभिक्रियाओं पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से असफल रहता है। अभी हम देखेंगे ये प्राथमिक और द्वितीयक अभिक्रियाएं हैं कौन सी। प्राथमिक एवं द्वितीयक रासायनिक अभिक्रियाएं, एक हम आरेख बनाते हैं सरल सा। ये हमारे पास एक कोई क्रियाकारी कंपाउंड है, क्रियाकारी पदार्थ है, ये उसके ग्राउंड स्टेट है। इस पर डालते हैं हम एक वर्णी प्रकाश, यह अवशोषण करता है कुछ फोटोन्स का, यह अवशोषण करता है फोटोन का, जो क्रियाकारी पदार्थ है वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में, लेकिन उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद में वो वापस आता है या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर बनाता है एक अलग प्रकार का उत्पाद। जैसे ये आ गए वापस ग्राउंड स्टेट में, एक तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। एक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हम लेते हैं इसी की, फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश का इसने किया अवशोषण, चला गया ये उत्तेजित अवस्था में और अभी ये बनाता है एक नया उत्पाद बी। दो प्रकार के परिवर्तन हुए। पहला प्रकार का परिवर्तन जिसमें कोई अवशोषी पदार्थ या क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद में वो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है या फिर स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति के द्वारा वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। दूसरी कंडीशन ये है, विकिरण का अवशोषण किया, उत्तेजित अवस्था में गया और यहाँ पे ये बनाता है एक नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट बी। पहली प्रकार की विक्रिया को हम कहते हैं, ये है फोटो फिजिकल रिएक्शन, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया। और जो दूसरा प्रकार की रिएक्शन वो है फोटो केमिकल रिएक्शन, यानी जो पहली अभिक्रिया है वो एक भौतिक परिवर्तन है, किसी भी नए कंपाउंड का या नए उत्पाद का निर्माण यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो कंपाउंड हमने लिया क्रियाकारी, वो प्रकाश का अवशोषण करता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है, वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और प्रकाश का ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन करता है। तो यानी जो क्रियाकारी जो हमने लिया पदार्थ और जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ वो सेम है, यानी कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये हो गया फोटो फिजिकल रिएक्शन। दूसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है और उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद में ये बनाता है एक नया उत्पाद। तो यानी जो केमिकल चेंज हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्रियाकारी पदार्थ अलग है और यहाँ पे उत्पाद हमारे पास क्या है, अलग है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में दो प्रक्रम होते हैं। प्राथमिक प्रक्रम के अंदर क्रियाकारी पदार्थ के अणु या परमाणु प्रकाश का अवशोषण करते हैं तथा उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। यानी किसी भी जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है या जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है उसमें दो प्रक्रम होते हैं,
जिसे हम कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया और द्वितीयक अभिक्रिया। प्रथम प्रक्रम के अंदर क्रियाकारी पदार्थ के अणु या परमाणु प्रकाश विकिरण का अवशोषण करते हैं, फिर फोटोन का अवशोषण करते हैं और कंपाउंड चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। इसे हम कहते हैं प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें प्रकाश विकिरण का अवशोषण होता है। द्वितीयक प्रकार का प्रक्रम विकिरणों की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात उसमें यह प्रक्रम है तथा किसी भी प्रकार की आंतरिक विकिरण का अवशोषण यहाँ पे नहीं होता है, इसे हम कहते हैं द्वितीयक अभिक्रिया। जो द्वितीयक अभिक्रिया है वहाँ पे हमारा ग्रोथस-ड्रेपर नियम और स्टोक्स आइंस्टीन नियम फेल हो जाते हैं, यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये हुई हमारी प्राथमिक एवं द्वितीयक अभिक्रियाएं। तो ये हुआ ग्रोथस-ड्रेपर नियम। दूसरा नियम हम पढ़ते हैं स्टोक्स आइंस्टीन नियम। प्रकाश रसायन का दूसरा नियम है स्टोक्स आइंस्टीन नियम, या फिर प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, और या फिर क्वांटम सक्रिय सिद्धांत। यानी 1912 के अंदर स्टोक्स तथा आइंस्टीन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन किया तथा प्रकाश रसायन का दूसरा नियम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया। इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु या परमाणु जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वे प्रकाश के एक फोटोन या एक क्वांटम का अवशोषण करके सक्रियत होते हैं, एक्टिव होते हैं। अर्थात एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम का अवशोषण करता है। अतः हम कह सकते हैं ये जो सिद्धांत हुआ वो है एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम। एक अणु एक क्वांटम यानी वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम। अतः इसे हम एक अणु एक क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम को अवशोषित करके सक्रिय होता है। वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम। यहाँ पे एक फोटोन का अर्थ है एक फोटोन, यानी एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो बराबर है एच न्यू के। एच यहाँ पे हो गया प्लांक स्थिरांक, जिसका मान है 6.625 इंटू 10^-27 अर्ग सेकेंड। और यहाँ पे न्यू हो गया अवशोषित प्रकाश की आवर्ती। तो हम कह सकते हैं कि जो एक अणु है वो एक क्वांटम या एक फोटोन का अवशोषण करता है, जिसका मान होता है एच न्यू के बराबर। यदि हम एक मोल अणु की बात करें, एक मोल अणु अवशोषित करता है एन एच न्यू फोटोन का। एक मोल बराबर हमें पता है एन बराबर होता है 6.023 × 10^23। ये हो गया एक मोल बराबर एन बराबर एन यानी अवोगाद्रो संख्या बराबर 6.023 × 10^23। तो एक मोल अणु द्वारा अवशोषित एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर हो गया एच न्यू। तथा यदि हम बात करें एक मोल अणु की, यानी एक मोल यानी अवोगाद्रो संख्या यानी 6.023 × 10^23, एक मोल अणु द्वारा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा बराबर हो गया एन एच न्यू। यहाँ पे एन हो गया अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान है 6.023 × 10^23। चूँकि हमें पता है न्यू बराबर होता है C/λ या C/λ, तो यहाँ पे हम न्यू की जगह रखेंगे E बराबर हो गया एन एच C/λ।
लेमडा। यहाँ पे हमारे पास एन का मान है, एच का मान दे रखा है, सी का हो गया प्रकाश का वेग, सी बराबर हो गया प्रकाश वेग, इसका मान हो गया 3×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे रखें हम ई बराबर हो गया 6.023×10^23 गुणा एच का मान 6.625×10^-27 गुणा सी का मान 3×10^10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे लिखा हमने लेमडा। जब इनको हमने गुणा किया तो हमें यहाँ पे इनका मान प्राप्त हुआ 2.859×10^8 अपॉन लेमडा किलो कैलोरी प्रति मोल। और जब इसका मान हम SI यूनिट में निकालते हैं तो E बराबर हुआ SI में 1.96×λ×10^5 जूल प्रति मोल। ये हमें प्राप्त हुआ 1 मोल अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान या अवशोषित फोटोन की ऊर्जा का मान, जिसे हम कहते हैं एक आइंस्टीन। ये बराबर होता है एक आइंस्टीन की, यानी हम कह सकते हैं कि 1 मोल अणु 1 आइंस्टीन ऊर्जा का अवशोषण करता है। चूंकि हमें पता है क्रियाकारी पदार्थ का 1 अणु 1 फोटोन का अवशोषण करता है, अर्थात 1 क्वांटम का अवशोषण करता है, तथा क्रियाकारी अणु ऊर्जा का 1 आइंस्टीन अवशोषण करता है, जिसका मान है ये। तो ये हो गया, यानी हमने यहाँ पे सीखा 1 अणु अवशोषित करता है 1 क्वांटम का, ठीक है, और 1 मोल अणु अवशोषित करता है 1 आइंस्टीन का। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 1 मोल अणु अवशोषित करता है 1 आइंस्टीन ऊर्जा का। दो संबंध हो गए, 1 अणु अवशोषित करता है 1 फोटोन या 1 क्वांटम का, तथा 1 मोल अणु अवशोषित करते हैं 1 आइंस्टीन, और 1 आइंस्टीन का मान है, 1 आइंस्टीन ऊर्जा का मान है 1.96×10^5 / λ जूल प्रति मोल। और हमें ये भी यहाँ पे देखा जो ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती है प्रकाश या अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य देगी, यानी अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य यदि अधिक होगी तो पदार्थ द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा उसका मान भी क्या होगा, कम होगा। परिभाषा में हमने देखा क्रियाकारी पदार्थ का 1 अणु 1 फोटोन का अवशोषण करके सक्रियित होता है। यहाँ पे सक्रियित का अर्थ है भौतिक रूप से सक्रिय, ना कि रासायनिक रूप से सक्रिय। ये क्रियाकारी पदार्थ है, ये अवशोषण करता है फोटोन का, ये चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। तो ये जो सक्रियित अवस्था है या जो सक्रियता है, ये भौतिक रूप से सक्रियता है, ना कि रासायनिक रूप से सक्रियता है। और जो सक्रिय कंपाउंड है या जो सक्रिय क्रियाकारक है, ये आवश्यक नहीं कि वो हमेशा उत्पाद बनाए, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, और प्रकाश का वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है ऊष्मा के रूप में या फिर विकिरण के रूप में, और वो बना सकता है दूसरा प्रोडक्ट भी। तो ऊपर वाले परिवर्तन को हम कहते हैं प्रकाश भौतिक परिवर्तन, पढ़ लिया हमने, और इस परिवर्तन को हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक परिवर्तन, जिसमें क्रियाकारी पदार्थ नए उत्पाद का निर्माण करता है। प्रकाश रासायनिक तुल्यता के सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन या क्वांटम सक्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। स्टोर्क आइंस्टीन नियम की वैधता के निम्न कारण है, एक फोटोन से उत्तेजित हुए अणु की उत्तेजित अवस्था की आयु इतनी कम होती है कि वो और अधिक फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाता है, अतः एक फोटोन 1 अणु को उत्तेजित करता है। इन प्रयोगों में प्रयुक्त प्रकाश यानी आपतित विकिरण की तीव्रता इतनी कम होती है कि एक फोटोन 1 से अधिक अणु को उत्तेजित अवस्था में नहीं भेज सकता।
यदि उच्च ऊर्जा वाली लेजर किरणों का उपयोग किया जाए बहु फोटोनिक प्रक्रमों की संभावना बन जाती है। तो ये हुए हमारे प्रकाश रसायन के दो नियम। पहला नियम था ग्रोथस ड्रेपर नियम, जो है गुणात्मक नियम, और दूसरा हमारा नियम स्टार्क आइंस्टीन नियम, यह है एक मात्रात्मक नियम। ये नियम बताता है कि एक फोटोन, एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है और एक मोल अणु एक आइंस्टीन ऊर्जा का अवशोषण करता है। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा जोबलांस की डायग्राम या जोबलांस की आरेख के ऊपर।